सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मुंड मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। यह मुद्रा तांत्रिक मुद्रा है और इस मुद्रा को करना जो भी तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं वे लोग अनिवार्य मानते हैं। शिव काली की आराधना करने वाले, भैरव भैरवी की आराधना करने वाले, अघोर पंथ की साधना करने वाले इसे करते हैं। यह मुद्रा वैसे भी योग के लिए भी अच्छा है। इसमें शक्ति आपके भीतर आती है और राशि गुण आप में और तामसी गुण आते हैं। इस समाज में जो आपके शत्रु हैं वे आपके सामने नतमस्तक होते हैं। जो आपके खिलाफ कार्य कर रहे होते हैं वे धीरे धीरे छोड़ देते हैं खिलाफ में काम करने के लिए और आप शत्रु हंता हो जाते हैं। आपके मस्तिष्क में वह शक्ति जागती है, वह ऑरा बढ़ता है जिससे कि आपकी वाणी में ताकत आ जाती है और आपके हृदय में, आपके गुर्दे में, फेफड़े में बहुत बल आ जाता है, लीवर बहुत मजबूत हो जाता है, यौन शक्ति भी काफ़ी बढ़ जाती है। यह जो है आपको एक कमांडिंग पोजीशन देता है। यह सही है कि इसे कुछ सात्विकता घटती है व्यक्ति की, लेकिन प्रकृति में सतरज और तम ये तीनों ही गुण होते हैं और सबका अपना महत्व होता है। जो दुष्ट होते हैं वे अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, तो वैसी स्थिति में यह मुद्रा आपके काम आती है क्योंकि यह मुद्रा आपके भीतर में राशि गुण और प्रतिकार की क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। आपके नाभि केंद्र पर, मणिपूरक चक्र पर इसका विशेष प्रभाव देखा जाता है। यह मुद्रा भगवान शिव ने बतलाई थी देवताओं को जब वे असुरों से हार गए थे। तो यह मुद्रा देखिए किस तरह से है। इसे मुंड मुद्रा इसीलिए कहते हैं क्योंकि मुंड जैसा ही इसमें आकार बनता है। बाएं हाथ का जो अंगूठा है इसको भीतर कर देते हैं, मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। ये जो तीन उंगलियां हैं इन तीन उंगलियों को यहाँ लगा देते हैं, ठीक, इसे सामने रखते हैं और सांस को भर लेते हैं और भरने के बाद सांस को रोक देते हैं और रोकने के बाद बल लगाते हैं। कहाँ बल लगाते हैं? इसमें, इस मुट्ठी को खींचने में बल लगाते हैं। इससे आपके शरीर में ताकत आती है और इसका एहसास आपको एक बार करने में ही हो जाएगा। सांस को रोकिए, भर लीजिए, पूरा पूरा कीजिए, सीनों को फैलाइए और रोकिए और जो ये अंगूठा है और इसमें यहाँ इधर बल लगाइए, आप सारा शरीर का बल इधर लगाइए। साथ में जप करेंगे जो आपके इष्ट हैं। ओम भैरवाय नमः, या ओम नमः शिवाय, या ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का भी मंत्र इसमें चलता है, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट। आप उस मंत्र को कर सकते हैं। मन ही मन जपना है, सांस को भर लेना है, भरने के बाद रोक देना है, सीना फुलाना है, पूरी ताकत लगा देनी है इधर।
इसके साथ अन्य मुद्रा भी करते हैं, जैसे कि मूलबंध भी इसके साथ लगाते हैं और महामुद्रा भी लगा सकते हैं, परंतु बिना उन मुद्राओं के भी से आप कर सकते हैं। वैसे मूलबंध इसके साथ बहुत अच्छा रहता है। मूलबंध में क्या करते हैं कि जननेंद्रिय द्वारों को और मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। जब सांस भर लेते हैं तो उनको ऊपर सिकोड़ लें, उनको रोक दें, स्तंभन करें और उसके बाद इसको पूरी ताकत से दबाएं। यह आपकी यौन शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यह आपके शत्रुओं का नाश करता है, आप में वो शक्ति देता है कि आपकी आभा से आपके शत्रु नतमस्तक हो जाए, आपके रुके हुए काम जितने भी हैं वे सब हो जाए। तो सांस को आपको भरना है, सांस को रोकना है, मल द्वार को सिकोड़ लेना है, स्तंभन करना है और उसके बाद यहाँ ताकत लगाना है। मन ही मन जाप करेंगे, फिर रिलैक्स होकर छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा आप 108 मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 मिनट कम से कम आपको करना है और धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। तो इसे प्रतिदिन करें, इसे सुबह शाम दो बार कर सकते हैं। खाली पेट शौच क्रिया से निवृत्त होकर के, नहा धो करके, खुले स्थान पर कंबल दरी बिछा करके, किसी भी ध्यान आसन में, यानी पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, इनमें से कोई भी एक आसन आप चुन लें, नहीं तो अर्ध पद्मासन भी आप लगा सकते हैं। और यह मुद्रा करते समय आप एकांत में करें, स्थिरता पूर्वक करें, प्रातः काल सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं। ध्यान यही रहे कि शौच क्रिया से निवृत्त होकर के ही इसे करेंगे। तो इसमें इतना ही। ओम।